ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर ने सवाल खड़े किए। वर्ल्ड बैंक ने बाहरी समीक्षा कराने की बात कही। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट में भारत को 100वें से हटाकर 147वें स्थान पर। पिछले 5 साल में दूसरी बार अमेरिका के सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ। फंडिंग बिल खारिज होने के बाद शटडाउन शुरू हुआ। 20 आप विधायकों की सदस्यता रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को झटका। नगर निकाय चुनाव में 24 में से 20 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। सानिया सिंधु और पीटी उषा सहित 112 महिलाओं को आज राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। फर्स्ट लेडीज नाम की इस पहल में अलग अलग क्षेत्रों में पहचान बनाने वाली महिलाओं का नाम शामिल। बहुत जल्द अब विमान में यात्री कर सकेंगे मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल। ट्राई ने मंजूरी दी। लगभग 10 साल के लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार 2000 परिवारों को जमीन लौटा सकती है। टाटा स्टील प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। गो न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और भारतीय सेना में हर तीसरे दिन होती है एक सैनिक की मौत। बड़ी संख्या में जवान खुदकुशी करने को मजबूर। गो न्यूज की खास रिपोर्ट।